मोदी सरकारको 2.0 कार्यकालर प्रथम वर्ष पूर्ति हेबाकु जाउछि। पूर्ति उत्सवर 1000 भर्चुअल सम्मेलनी करिब दल। देशरे नरेन्द्र मोदी सरकारको द्वितीय कार्यकालर प्रथम वार्षिकी उत्सव पालन करिबाकु प्रस्तुत हेउछि बीजेपी। कोरोना महामारी संकट समयरे सामाजिक दूरताकु नजरि रखि योजना प्रस्तुत होइछि। समग्र देशरे एनै भर्चुअल राली करिबाकु योजना होइछि। मे 30 रे एक वर्ष पूर्ति हेउथिबारु 1000 रु अधिक भर्चुअल सम्मेलनी आयोजन करा जिवो। राज्य यूनिट तथा अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारीक स जोगाजोग करी बीजेपी साधारण संपादक अरुण सिंह एही सूचना देछंती। से कहिछंती समस्त बडबड यूनिट अति कमरे दुईटी भर्चुअल राली करिवे एवं छोटो यूनिट गुडीक गोटी आयोजन करिवे। एही कार्यक्रम रे प्रतिटी स्थान रे 750 रु अधिक लोक जोग देबे। एही दिवस पालन पई पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे मास 30 तारीख रु आरंभ होइबो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विश्वर सबुठारु लोकप्रिय नेता भाबरे वर्णना करी से कहिछंती जे तांको सरकार प्रथम वर्षरे लोकंक दीर्घ दिनर आकांक्षा एवं स्वप्न को पूरण करिछि। जम्मूर 370 धारा बातिल होइछि एवं ट्रिपल तलाक विरोध रे आईन अणा देछि। अयोध्यारे राम मंदिर निर्माण पई रास्ता मध्य सफा होइछि। एहि सबु सफलता इतिहास रे सुवर्ण अक्षर रे लेखा जीव बोली बीजेपी कहिछि। जोगाजोग रे दल एहार सदस्य मानकु COVID-19 रो मुकाबला पई मोदी सरकार को कार्य विषय रे जनसाधारण को अवगत करैबाकु कहिछन्ति। 10 कोटी परिवार को आत्मनिर्भर भारत स जोडिबा पई प्रधानमंत्री को संकल्प विषय रे लोकों को कहिबाकु मध्य कहा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और उस नेतृत्व के प्रति जो देश के लोगों का विश्वास है, जिस तरह से लोगों ने संयम, सावधानी, अनुशासन बरता, उसका नतीजा है कि आज कोरोना की इस जंग में हम विजय की तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ तमाम तरह की और चुनौतियां आईं। तूफान आ गया इसी बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते टिड्डियां आ गईं। एक के बाद एक नई से नई चुनौतियां जो कभी बहुत दशकों में नहीं आई होंगी, बल्कि सैकड़ों साल में नहीं सुनाई पड़ी होगी, वो सब सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन मोदी जी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए इन चुनौतियों पर विजय हासिल करने के लिए एक योद्धा की तरह, एक संकट मोचक की तरह लोगों के साथ खड़े होकर के इसके समाधान का रास्ता तय किया है। और हम मानते हैं कि ये जो मोदी 2 का सरकार का कार्यकाल रहा है वो तमाम रिफॉर्म्स से भरपूर रहा है। अगर आप रिफॉर्म के तौर से देखें, 370 इसी में हटता है, इसी में नागरिकता कानून बनता है, और भी इसके अलावा जो है किसानों के आर्थिक और हितों को ध्यान में रख करके तमाम कानून पास होते हैं, तमाम कानून नए बनाए जाते हैं, तमाम ऐसे दकियानूसी कानून ख़त्म भी होते हैं। एक लंबी श्रृंखला है, रिफॉर्म की श्रृंखला लंबी है, ट्रांसफॉर्म की श्रृंखला लंबी है, और परफॉर्म करने वाली सरकार की श्रृंखला लंबी। इसीलिए हमने कहा ये सरकार इकबाल की सरकार है, ईमान की सरकार है और इंसाफ की सरकार है। और इस सरकार ने जो है वो जो कश्ती हमारी तूफान में थी, उस तूफान से निकाल करके आज मजबूती से खड़ी की, और पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि तमाम जो विश्व के नेता है इस बात को कह रहे हैं कि संकट के समय में जितनी मजबूती के साथ, जितनी मुस्तैदी के साथ, जितनी दूरदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों के साथ खड़े रहे, विश्व का कोई भी नेता उनके मुकाबले इस तरह का काम नहीं कर पाया। नई दिल्ली रो गगन विश्वाल की रिपोर्ट द अर्गस स्टडी।